आज की वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं फैब्रिक पैटर्न, इस तरह का हम बटर बनाना सिखाएंगे। तो उसके लिए आप वीडियो को पहले लाइक कर दें। इसको बनाने के लिए आपको सिंपल बड़े साइज का एक बटन चाहिए होगा, और इसके बाद हमें एक फैब्रिक चाहिए जिसका हम बटन बनाने वाले हैं। वो आप कोई भी कलर का ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फैब्रिक को डेकोरेट करने के लिए हमने गोल्डन कलर की बारीक गोटा पत्ती ली है, आप सिल्वर भी लगा सकते हो। हैंगिंग में लटकाने के लिए मैंने छोटी सी लेस ली है जिसमें बीट्स की चेन लगी हुई है। फैब्रिक के ऊपर बटन को रखकर साइड में आपको मार्जिन ड्रॉ करना है। यहाँ पे आपको बटन के बाहर थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा रखना है। इस सर्कल को कट कर लेंगे। तो चलिए, इसके बाद आपको इसे डेकोरेट करना है। डेकोरेट करने के लिए हमने इसके सेंटर में एक लाइन लगा दी है, प्लस के निशान की तरह क्रॉस करते हुए दो लाइन्स हमने लगा ली है। आपको भी इस तरह से लगा लेनी है। अब इसके ऊपर यूज करेंगे हम गोटा पत्ती। जहां पे हमने सीधी लाइन लगाई है उसके ऊपर आप इस तरह से गोटा पत्ती को रखेंगे और स्टिच करना शुरू कर देंगे। एक लाइन लगाने के बाद जब मैं दूसरी लाइन लगाने लगी तो ये नीचे गिर गया। वीडियो बनाते समय बीच बीच में बार बार उठना मुझे अच्छा नहीं लगता। चलिए इसे उठा लेते हैं, दूसरी लाइन को भी लगाना शुरू करेंगे। ये गोटा पत्ती हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारा फैब्रिक प्लेन है। अगर आपका फैब्रिक वर्क वाला है तो आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी इसके ऊपर लगाने की। अब जो हमने दो लाइंस लगाई थी उसके सेंटर में भी हम एक लाइंस लगा लेंगे, क्योंकि मुझे खाली खाली लग रहा था तो इसके बीच वाली स्पेस कवर हो जाएगी। बहुत ही ज्यादा कम कपड़े में ये फैब्रिक बटन बन के तैयार हो जाते हैं। अब इसके बाद क्या करना है कि इसके जो साइड में एक्स्ट्रा गोटा पत्ती है उसको हम कट कर देंगे, और ये हमने कट कर ली है। अब इसके बाद आपको सुई धागे से राउंड शेप में आपको कच्चा टंका करते जाना है। इस सर्कल को स्टार्टिंग से एंड तक कच्चा टंका करके फिनिश कर लेंगे। लास्ट में आपको थ्रेड को कट नहीं करना है, इसके साथ में ही लगा रहने दे, बाद में इसे देखते हैं। अब इसके बाद हम बटन लेंगे, और हमने कॉटन ली है। बटन के ऊपर कॉटन के इस तरह से लपेटेंगे, दूसरी साइड में हमारा बटन इस तरह से शो होगा। कॉटन को फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और जो हमने कच्चा टंका लगाया है उसको हम खींचना शुरू करेंगे। सारे थ्रेड को अच्छी तरह से खींच लेंगे जिससे कि हमारा ये बटन है वो फैब्रिक के बीच में अच्छी तरह से अटैच हो जाएगा। सारे थ्रेड को खींचने के बाद यहाँ पे हम छोटा सा टंका लगा देंगे जिससे कि हमारा बटन है वो बीच में ही रहेगा, और साइड को अच्छी तरह से पक्का करना शुरू कर देंगे। और यहाँ पे पक्का करने के बाद भी आपको थ्रेड को कट नहीं करना है, इसके साथ में ही रहने दे। तो चलिए, फैब्रिक बटन को हम साइड में रखेंगे। अब इसके बाद हैंगिंग के लिए हमने जो लेस ली थी वो हम लेंगे। लेस को ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा कट कर देंगे। कट करने के बाद जो हमारा थ्रेड रह गया है उसको हम राउंड शेप में इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद बटन के पीछे वाली साइड में इस तरह से लगाना शुरू करेंगे। अच्छी तरह से अटैच करने के बाद एंड में इसको दो तीन बार पक्का करके टांका लगा लेंगे, और इसी के साथ ही हमारा ये बटन बन के तैयार हो जाएगा। इसे आप अपने नेक डिजाइन में सुई धागे से भी लगा सकते हो या फिर फैब्रिक ग्लू से भी चिपका सकते हो। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट में बताएं कि हमारे फैब्रिक बटन किस तरह के बने हैं। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए जिससे कि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। फैब्रिक बटन बनाना तो आपने सीख ही लिया होगा, तो फैब्रिक लटकन बनाना भी सीख लें। इस बीच वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके आप फैब्रिक लटकन बनाना सीख सकते हो।